आगे बताने वाली कि कैसी बनी है, खाओ जल्दी से, थोड़ी सी खाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैंडी। हाँ कैंडी, कौन सी कैंडी? कैंडी बनाने वाले। अच्छा हाँ, आज हम बनाएंगे आज मोरा कैंडी। अरे कैंडी का नाम क्या है? कैंडी का नाम क्या है? कैंडी। आज हम बनाने वाले हैं डेलगोना कैंडी। अच्छा, हाँ डेलगोना कैंडी बनाने वाले हैं। इसका क्रेज बहुत ज्यादा है और सब जानते ही हैं कि कितना ज्यादा क्रेज है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ट्राई करें। और बहुत टाइम से सोच रहे थे हम डेलगोना कैंडी को ट्राई करने के लिए, लेकिन लेकिन तभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया कि ये हमें ट्राई करनी चाहिए। हाँ, तो फिर अब हमें ये ट्राई करनी पड़ेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ डेलगोना कैंडी। कौन से बनाने वाले हैं? एक तो जो नॉर्मल कैंडी होती है। हाँ, क्योंकि हमने काफी रिसर्च करी है डेलगोना कैंडी बनाने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसी बनती है। तो हम ओरिजिनल वाली कैंडी बनाएंगे और हाजमोला वाली कैंडी, और हाजमोला डेलगोना कैंडी बनाएंगे और फेंटा वाली कैंडी और एक कॉर्निटोस। कॉर्निटोस? हाँ मतलब वो चिप्स। हाँ कौन से चिप्स? हाँ मतलब कोई भी चिप्स की एक कैंडी बनाएंगे। सो और उसके बाद हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। तो यहाँ पे प्रिया मेहनत कर रही है डेलगोना कैंडी के लिए। क्या बना रही हो प्रिया? शेप्स बना रही हूँ उसके लिए। हाँ, तो शेप्स बना रही हो। प्रिया ने कौन से शेप बनाए? ये बना रही है हार्ट वाली। ओके, दिखाओ जरा। बाद में इसका हाल क्या होगा? हाँ, तो मतलब हमारे पास शेप्स नहीं है, तो इसलिए इसने बनाया है हार्ट का। और ये क्या है? और ये स्टार। अबे ये पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये क्या बनेगा तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, फर्स्ट टाइप की डेलगोना कैंडी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है अपनी, ठीक है। हम ज्यादा डेलगोना नहीं बनाने वाले हैं, एक चम्मच से। ओ शिट, ओ तो हमने ध्यान नहीं दिया कि कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म थी और हमने उस पर चीनी डाला तो उसमें से धुएं निकलने लगे। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने सोचा हम इसी में एक बार ट्राई करते हैं बनाने की। तो हमने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, फिर हमने कढ़ाई को दूसरे वाले बर्नर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम की ज़रूरत है इसे पकाने के लिए। सो हमने इसे साइड वाले बर्नर में शिफ्ट किया और फिर हम इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल स्लोली स्लोली। और जब फ्लेम लो थी तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा था, मतलब बहुत टाइम लग रहा था मेल्ट होने में। फिर हमने थोड़ा सा हाई फ्लेम किया तो ये थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गई थी, बट ये बहुत ज़्यादा इसका ब्राउन कलर आ रहा था, नॉर्मली मेल्ट नहीं हो रही थी, ये जल रही थी। तो फिर हमने मतलब हमको ये रियलाइज हुआ कि हमने कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट चूज़ कर ली है, मतलब गलत चूज़ कर ली है, हमें इससे थोड़ी सी मोटी कढ़ाई चूज़ करनी पड़ेगी। बट फिर भी हम इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हमने सोचा कि अगर ये अच्छे से मेल्ट हो गया इस पॉइंट में भी तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। बट जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर हो गया था, तो हमने सोचा कि अब हम इस वाले को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और हम इसे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस बार ये थोड़ी सी मोटी कढ़ाई ली थी, हमने सोचा कि लास्ट बार जो हमसे गलती हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने कढ़ाई ली और उसमें 2 चम्मच चीनी डाली और उसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। फिर हमने काफ़ी देर वेट किया कि वो मेल्ट हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी मेल्ट हो ही नहीं रही थी। तो हमने उसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर दिया, हमने सोचा कि वो मेल्ट हो जाएगी इसके बाद, और उसको अच्छे से मिक्स किया, बट वो फिर भी मेल्ट नहीं हो रही थी। और फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं इसमें तो शायद वो मेल्ट हो जाए। और पानी डालने के बाद वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो मेल्ट हो रही है, बट फिर भी एक स्मूथ सा पेस्ट नहीं मिल रहा था हमें, वो ऐसे खुरदरा सा पेस्ट था और फिर उसका पानी भी गायब हो गया। आई डोंट नो कि वो मेल्ट क्यों नहीं हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ्लेम भी बहुत लो करके रखा हुआ था हमने, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मेल्ट हो रही थी। और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इस पॉइंट पे, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं मेल्ट हो रही है। फिर हमने थोड़ा सा पानी और ऐड किया उसे मेल्ट करने के लिए, बट फिर भी पता नहीं चीनी को क्या हो गया था, वो मेल्ट ही नहीं हो रही थी, उसका पानी डालते ही गायब हो जा रहा था। फिर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हमने सोचा अब हम थर्ड टाइम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल लग रहा था बनना।
लेकिन फिर प्रिया ने बोला कि थोड़ा सा और पानी ऐड करके देखो, मे भी शायद हो जाए। मैंने फिर से पानी ऐड किया बट वो फिर से थोड़ा सा गीला पेस्ट बना और वो काफी देर तक ऐसा ही रहा और हमें लगा कि ये मेल्ट हो रही है, बट फिर मैंने कुछ ज्यादा ही इसमें पानी ऐड कर दिया और फिर जाके वो अच्छे से मेल्ट हुई। फिर हमें लगा हाँ चलो अच्छा है, अच्छे से मेल्ट हुई, कम से कम हमें ट्राई नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा। फिर वो बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया था, स्मूथ सा पेस्ट बन गया था और हम बहुत ज्यादा, हमें खुशी हो रही थी कि हाँ बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है और हम सच्ची में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसे देख के कि हाँ थैंक गॉड। इतनी देर से हम सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे बट या बन गया। फिर मैंने सोचा अब जब ये पेस्ट बन ही गया है तो अब हमें इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देना चाहिए और मैंने एक पिंच बेकिंग सोडा लिया और उसमें डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स किया बट कोई रिएक्शन टाइप का मुझे लगा नहीं। फिर मैंने उसमें सोचा एक और पिंच डाल देती हूँ और डालने के बाद अब आप देख ही सकते हो क्या हाल हुआ उसका, वो बिल्कुल भी बनने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो फोम टाइप का बन गया। सो इसी पॉइंट पे हमें लगा कि अब हमें थर्ड टाइम ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये डेलगोना की जगह कुछ और ही बन गया था और ये बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था और हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। सो इस थर्ड अटैम्प्ट में हमने अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश की और हमने कढ़ाई में पहले से ही पानी ऐड कर दिया ताकि चीनी को मेल्ट होने में कोई दिक्कत ना हो और फिर हमने उसमें 2 स्पून चीनी ऐड करी और हमने उसे मिक्स कर दिया और फिर हम सोचने लगे कि अब ये जल्दी से मेल्ट हो जाए ताकि हम आगे का प्रोसेस करें। और इस पॉइंट पे हमें लग रहा था कि हम पता नहीं क्यों डेलगोना कैंडी बना रहे हैं, क्योंकि जब हमने वीडियोस देखी थी मिलके तो हमें बहुत आसान लगा था ये सब बनाना, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। इतना इजी देखा था हमने, इतनी इजी रेसिपी देखी थी कि हम तो सोचे थे कि हम बहुत जल्दी बना लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, हमारे अटेम्प्ट्स फेल हो रहे थे बार बार। और ये इस पॉइंट में हमें लगा कि चीनी में हमने पानी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है क्योंकि वो बिल्कुल एक लिक्विड जैसा, जैसे चाशनी नहीं बनती है, चाशनी तो फिर भी थिक होती है, वो पतली वाली चाशनी बन गई। तो अब हमने सोचा कि चीनी तो मेल्ट हो रही है तो अब हमें इसे काफ़ी देर तक मेल्ट करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और फिर उसमें एक बॉयल टाइप का आ रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था क्योंकि हमने जितनी भी वीडियोस देखी थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था किसी के में। और मैं उसको अच्छे से स्टिर कर रही थी बार बार कि वो हो जाए बट पता नहीं। फिर काफ़ी देर बाद मुझे, मतलब चाशनी थोड़ी सी थिक होती हुई दिखाई दी और हमें लगा कि शायद इस बार बन जाएगा एकदम, मतलब अच्छा सा पेस्ट टाइप का लिक्विड पेस्ट बन गया था और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट था। सो हम काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि इस बार हमारा थोड़ा सा दिखने में भी, मतलब वो जो पेस्ट था वो भी दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने सोचा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। अब मैंने एक पिंच बेकिंग सोडा ऐड किया उसमें और उसको अच्छे से मिक्स किया बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार भी एक पिंच ऐड किया, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और लिटरली हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस पॉइंट पे, सीरियसली बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि इसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इसमें कोई कलर आ रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं उसको मिक्स करने की कोशिश कर रही थी और फिर भी सीरियसली कुछ नहीं हो रहा था। और फिर अचानक से उसका कलर चेंज होने लगा तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे मिक्स करूँगी तो मे भी शायद, मतलब अच्छा सा बन जाएगा, लेकिन नहीं, वो एक फोम टाइप की क्रिएट हो रहा था और पता ही नहीं क्या बना रही थी मैं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। और इस पॉइंट पे मैं और प्रिया इतना ज़्यादा हंस रहे थे, मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ये इतनी डिफ़िकल्ट, मतलब हमने कुकिंग में इतना डिफ़िकल्ट ट्राई किया है और सब कुछ अच्छा बनता है, लेकिन फिर मैंने एक और पिंच ऐड किया, 2 पिंच ऐड कर दिया, ओ माय गॉड 2 पिंच, इतनी डेलगोना में मैंने मतलब 4 पिंच ऐड किया फिर भी कुछ नहीं हुआ और फिर ये वाला अटेम्प्ट भी फेल हो गया। सो हमने सोचा कि अब एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करके देख लेते हैं, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, और कम से कम हमें ये तो नहीं रहेगा कि एक बार और ट्राई करते तो बन जाता। सो फिर इसलिए हमने स्टार्ट किया, वैसे हमें कोई भी होप नहीं है कि ये बनेगा। सो मैंने 2 चम्मच चीनी डाली और मैंने उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया थोड़ी सी देर और फ्लेम बिल्कुल लो थी और मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप पानी डाला, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डाला और पता नहीं अब क्या होगा वैसे। और मैं इसको ऐसे ही मिक्स करके इसको मेल्ट करूँगी, चाहे जितनी भी देर हो मैं इसमें पानी अब ऐड, मतलब ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी।
बट ये भी बहुत टाइम लगा रहा था मेल्ट होने में, समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो हमें लग ही रहा था कि ये भी फेल होने वाला है, और पता नहीं, फिर हमने फिर भी उसको मिक्स कर करके उसको मेल्ट करने की कोशिश की। और मैं यहाँ पे प्रिया से पूछ रही हूँ कि मैं इसमें पानी डाल दूँ, थोड़ा सा पानी डालूँ कि नहीं डालूँ। प्रिया कह रही नहीं 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 मत डालो मत डालो। फिर भी मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप पानी डाल ही दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा था, और मुझे मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं रह गया था कि मैं उसको इतनी देर तक मेल्ट होने का इंतज़ार करूँ। तो मैंने 2-3 ड्रॉप और पानी डाल दिया, उसमें ऐड कर दिया, और फिर एक पेस्ट टाइप का बन गया, और फिर वो फर्स्ट वाली की तरह ही बन गया था। वो मुझे लग रहा था फिर से वो एक लड्डू टाइप का बन जाएगा, बट वो हल्का हल्का मेल्ट हो रहा था, इस बार लड्डू नहीं था। फिर मैंने 2 ड्रॉप और पानी ऐड कर दिया, और लड्डू तो खैर बन ही गया था, लेकिन वो फिर वो लड्डू भी मेल्ट हो रहा था। तो एक होप थी कि हाँ भाई मेल्ट हो रहा है, और फिर वो अच्छे से, मतलब मुझे फील हो रहा था कि वो मेल्ट हो रहा है अच्छे से, और जैसे दिख भी रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ मेल्ट हो रहा है। लेकिन मुझे फिर भी, मतलब अभी भी कोई होप नहीं है इस पॉइंट में। और फिर वो थोड़ा सा डार्क हो गया, तो मैंने सोचा कि अब ये पॉइंट है, एक पेस्ट बन चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सोडा। मैंने 1 पिंच ऐड किया और उसको मिक्स किया। ये मज़ा आ गया। तो फिर हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी डेलगोना बन चुकी है, और मैंने फटाफट उस मिक्सचर को एक शीट पे ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था कि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और हाँ, इतनी कैंडीज़ बनाने के बाद, मतलब असफल कैंडीज़ बनाने के बाद मुझे पता चल गया था कि वो बहुत जल्दी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ठंडा हो जाता है। तो मैंने उसे जल्दी से जल्दी इस पे ट्रांसफ़र किया, और उस पे एक स्टिक लगाई, और हाँ शीट लगा, फिर मैंने उसे क्या किया, उसमें शेप लगानी थी, बट जो शेप हमने बनाए थे वो डेलगोना से बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हमारे शेप किसी काम के नहीं थे। तो मैंने क्या किया, इसको इससे ढक दिया, और अब मैंने शेप बनाने के लिए, आई डोंट नो ये मैंने क्यों किया, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने एक हाजमोला का वो ढक्कन लिया और उसे एक सर्कल टाइप का शेप बना दिया। और वैसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसे ढकती नहीं तो भी अच्छा बन जाता शेप। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर बाद खोला, और ये आसानी से रिमूव हो गया। ओके, हाँ, तो ये आसानी से रिमूव हो गया था, और ऊपर से लेकिन वो जो शाइन होती है वो थी नहीं, तो भी मैं, मतलब थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि ऊपर का शाइन नहीं था इसमें, और नीचे से इजीली रिमूव तो हो गई थी, और देखने में बिल्कुल लाइट वेट थी ये, और अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल ही लाइट वेट थी। और बट लेकिन आगे का शाइनी सरफेस नहीं था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट थैंक गॉड ये इस अटैम्प्ट में बन गई, और हम सीरियसली बहुत खुश थे ये सब देख देख के। थैंक गॉड ये कैंडी बन गई, और पता नहीं कैसे इसमें अच्छी सी शाइन आ गई, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और अब हम इसे ट्राई करके बताएंगे। तो मम्मी ये कैंडी खा के बताने वाली कि कैसी बनी है, खाओ जल्दी से, थोड़ी सी खाओ, एक ही बार में पूरी खा ली आपने। देखो कितनी करारी आवाज आ रही है, कैसी लग रही है? अच्छी बनी, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, इतनी सी नॉट बैड, एल्पिन लिविन जैसी लग रही है ना, हाँ। जैसे एल्पिन लिविन वाली होती है, तो टेस्ट तो वैसे इतना बुरा नहीं है, ठीक है। सो डेलगोना कैंडी बना के मैं तो लिटरली बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और हमारी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई है, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद हमने ट्राई कर करके, मतलब फाइनली एक अटेम्प्ट में बना, और उसका लकीली टेस्ट भी अच्छा था, मतलब टेस्ट तो अच्छा था। हाँ, नॉट बैड, अच्छा, बिल्कुल रियल जैसा ही लग रहा था। और वैसे तो हमने रियल कभी डेलगोना खाई नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा टेस्ट था उसका। और ये बाकी जो हम फेंटा का बनाने वाले थे, ये बिल्कुल हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इस फेंटा की डेलगोना बनाए, इसे तुम पी जाओ। और ये जो हाजमोला जो मैं दिखा देती हूँ भी आपको, हाजमोला ये जो मैंने पीस पीस के रखा हुआ है, ये हाजमोला, और ये लिटरली पीस के रखा हुआ था ताकि हम इसे बना पाए, लेकिन बिल्कुल भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इसको बनाएं। और ये जो शेप्स हैं जो कि किसी काम नहीं आए, इन्हीं शेप्स की वजह से मैं तोड़ दूंगी इसको, इस पर तुमने मेहनत करी, इसको तोड़ दूंगी। ये देखो हाँ, तो ये मैं अब बिल्कुल भी काम के नहीं है। और जिसने भी हमें, मतलब क्या नाम था उनका, जिन्होंने हमें ये बताया था, मतलब
समिता यादव, हाँ मतलब हमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा सदमा लग गया है कि हम नाम तक भूल चुके हैं, हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि समिता यादव था या सुजीता यादव था, क्या था पता नहीं। लेकिन थैंक यू फॉर योर सजेशन, और पर्सनली हम ट्राई करना चाहते थे लेकिन अब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहते, और एक में ही हमारी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।